अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तुम सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। बड़ा बुरा वक्त आया जब आप गए थे। कल हम आपका आज भी बन सकता है, सिर्फ मिर्जा साहब को ले आए। मेरे यहाँ नहीं जाना। आपको मिर्जा साहब बहुत याद आ रहे हैं। ख्वाबों में इन्होंने इंजीनियर नजर आता है। मैं प्रोडक्शन से कहूंगा कि एक ना मिर्जा साहब से उनको रिक्वेस्ट करें कि हमारे पास दोबारा तशरीफ लाएं। बड़ा उन्होंने पहले भी अच्छी गुफ्तगू की। लेकिन मेरा नाम ना बताइएगा। लेकिन मेरा नाम ना बताइएगा। आपका आपका नाम से वो जरूर आएंगे। मैं बताऊं मिर्जा और नसो इधर। कैसी बात आप कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं आप। आपको यकीन जानिए टाइम क्यामत तक है। तनु मैं दसना वा हाय 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 हाय। मैं तुम्हें क्या सी मनु ना छेड़ा करो। मैं पहले तो बाउंड्री तो बाहर सुटदा सा ना, हूं मैं प्लैनेट अर्थ तो बाहर सुटांगा। हाँ तुहानू उथे पहुंचा देंगा इथों जिथे तुहाडे मामू जा चुके अगले जान। हमारा नाम नहीं आएंगे। आवा फिर मैं दसा। वीडियो बना के दें कि ये छोटू मेरा है, मुफ्ती मुनीर साहब बनाए, हाँ साजिद मीर साहब बनाए। इस छोटू की जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार और मेरी हार पूरे फिरके की हार। डायरेक्ट फाइनल मैच खेलो और टाइम क्या मत तक जे तौबा करो। और याद रखिएगा यहां जो बंदा आएगा ना वो खाली अपने फिरके दी मंजी नहीं ठुकवाएगा, सारे दी मंजी ठुकवाएगा जे। हां अगर कोई मेरे पास वाबी आएगा ना तो आप क्या समझ रहे हैं कि मैं उसे उसके बाबे डिस्कस करूंगा ना। मैं कहना कि बोल चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ अली रसूलुल्लाह के बारे तेरे के ख्याल है। हाँ ताकि आंदा कोई बरेलवी दियोबंदी भी कहा ना पाए उन्होंने। फिर वो किसी दियोबंद और बरेलवियों की मस्जिद में वो वाबी जाने जोगा नहीं रहेगा अगर उसे गलत कहेगा, और अगर ठीक कहेगा तो अपनी मस्जिद ही नहीं बांट सकता भाई। गजब तू भी वाज आदमी। सर असी वो काटते नहीं है। मैंने कहा था ना कि बनू उमैया की चालें जहां खत्म होती है ना वहां से हमारी अकल स्टार्ट होती है। नहीं आएंगे देख। मौजू बताए आप जिदे पीछे 10 बंदे नमाज पढ़ते हैं, उन्होंने मेरे इंजीनियर ने मुनाजरा करा दो। और नसो इधर। मौजू यही है कि मिर्जा साहब का एक पंफलेट लिखा हुआ है 72 सही उल असनाद हदीस में। उन्होंने एक मुकदमा दायर किया कि मेरी 72 सही उल असनाद हदीस है। ठीक है कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, निकल इतो तू तो शाही कोई नहीं। हम उसी को चेक करना चाहते हैं कि क्या मिर्जा साहब सच बोलते हैं। मैं आपको बताऊं तुम जो मर्जी कर लो, जो तुम्हारी मंजी ठुकनी थी ना वो ठुक गई। इधर नहीं तशरीफ ला सकते, ऑनलाइन बात कर लें, साजिद मीर साहब बात कर लें। आएंगे मिर्जा नहीं आएंगे। असल में ना आपका और तब बड़े उलमा का कंसेप्ट मिर्जा साहब के वजह से गलत है। हाय हाय मैं बताऊं आपको, मैं बायस्ड नहीं हूं। मिर्जा साहब के वजह से कंसेप्ट गलत है। आप लोगों ने उनको कह दिया कि भाई वो भाग जाते हैं, वो सामने आए हैं। और सिर्फ हमारे पास क्या, हमारे बाद वो और भी डिफरेंट चैनल्स पे आए हैं। या मरहबा। तो कहने का मकसद ये है कि वो तो अपना मौकफ बबंगे दोहल यूट्यूब पे भी बयान कर रहे हैं। चस आ गई कि नहीं, करोड़ों अरबों की तादाद में लोग उनको सुन रहे हैं। तो मैं इस बात से आपके खिलाफ करूंगा कि वो नहीं आएंगे, वो आएंगे। मैं तो अनु कार तक पहुंचा के आवांगा, मंजी ठोक देंगे तो टीम में। और ये मैं ऑन एयर मिर्जा साहब को कहता हूँ, मिर्जा साहब अलवी साहब जो है ना वो कहते हैं क्यामत तक टाइम है, तो मैं तो इनको आपकी आपकी वकालत करते हुए मैंने कहा मिर्जा साहब जरूर आएंगे। चल बस रुलाएगा क्या, आज तक हुआ है कि गड़ी शाऊ दी टीम दा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया दी क्रिकेट टीम नाल होवे। और हम आपको रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप कोई थोड़ा सा टाइम हमें नोश फरमाएं। वेले बैठे ने तो एक जरा बैठ के इल्मी गुफ्तगू करें। भला वे उस वेले दा जदू तुहाड़े खराब रेलवी होने तुसी इल्मी गल्लां करनी शुरू करती हैं। एक मोहब्बत है बांटे। और थोड़ा सा मैं कहता हूं आप इनकी सलाह कर दें या ये आप ही कर देंगे ना आपके अंदर। देखें एक बड़ी चीज है जो मैं समझा, वो ये समझाऊं। दसो जी कितने लिखे है, दिखा दो फिर है मंदे। फिर भी कोई नहीं, मेरे उलमाए किराम बैठे हुए हैं कि सिर्फ और सिर्फ दज्जाल के अंदर या शैतान के अंदर इस्लाह का पहलू नहीं मौजूद होता या हैवान के अंदर नहीं होता। हम कौन सा को फिरौनियत को मानने वाले हैं, तकब्बुर में आके हक ना माने। आप हक बताएं वो मानेंगे, अगर उनने हक बताया फिर आपको ही मानना पड़ेगा। बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। तो हाल तो कोई नहीं है जब आपने बात नहीं माननी उनका जो मुकदमा। और आपको मैं बात बताऊं, ये मैं ऑन एयर बात करूं, अल्लाह की कसम ये मैं इस बात की गवाही दूंगा। हमने मिर्जा साहब से जो है ना वो प्रोग्राम किया, मिर्जा साहब ने किसी एक आलिम के अंदर ना टोका, आप प्रोग्राम उठाकर देख लें, ना टोका ना बोला ना लुक में। ओह यार बड़ा अच्छा वो वाकई उस चीज पे अमल करते हैं कि दो कान सुनने के लिए एक जो है वो जुबान है, तो इसका मतलब है उनने सुनना ज्यादा है और बोलना कम है। एड्डा हौसला तो अहले हदीस दा नहीं ना हो सकता।
तो कहने का मकसद है ही इज ए वेरी ग्रेट लिसनर. तो कुछ बातें आप तो मेरा उनसे इंटरेक्ट हो गया, मैं उनकी कोई वकालत नहीं कर रहा ना आप ही कर रहा हूं. मैं तो न्यूट्रल हूं, जिसको आप कहते हैं न्यूट्रल. मैं न्यूट्रल न्यूट्रल मोमिन न्यूट्रल होता है. मैं ये कहता हूं मोमिन न्यूट्रल होता है, मोमिन हक का साथ देता है, बातल को नहीं जो है चुनता. न्यूट्रल तो शायद कोई नहीं. गुस्ताखो तुसी साढ़े मौला अली ते नंदा करवाइया ने जब मिर्ज़ा साहब हमारे साथ लाइन में आए तो ऐसा ही हो, अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे. आमीन. लेकिन हमारा तजर्बा 4 साल से ये कभी ऐसा नहीं. आएंगे 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 आएंगे. जरूरत नहीं है. कम पै गए थोड़े नाल, हुण मीम्स बनणगीआं सिर्फ. इतनी यकीन करो बहुत बुरा वक्त आया जे फिर क्या होता है. अल्लाह माफी दे. तौबा तौबा तौबा. फिर क्या ने कदे इतना बुरा वक्त नहीं. और वाबियों तो बहुत बुरा वक्त आ गया जे. वाबियों तो सोचे ही नहीं कि साड़ा बयान ही किधर और टूट जाएगा.